इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस दी फोर्थ प्रॉपर्टी असी कर रहे सी उन्हों कॉन्टिन्यू करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी दे विच असी की दस रहे सी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस दी हेल्प नाल इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन भी पता की जा सकती है। वो किस तरह, वो इस एक्सप्रेशन दी हेल्प नाल असी एक्सप्लेन कर रहे सी और असी कह दिता सी अगर डी वी कॉन्सटेंट है तो ई इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर है, जो असी पिछले इस वाले पॉइंट से भी क्लैरिटी की सी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा असी ये कह रहे सी स्ट्रोंग टू वीक रीजन वल ही असी एरो ड्रॉ करांगे, मतलब जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उतो घट वाले रीजन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस होनगियां। तो इतों असी एक कंकलूजन लैके चलांगे कि जिहड़ी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की है फ्रॉम दी सर्फिसिस विच आर क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि देखो असी की क्या सी ईज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर, जिथे सर्फिसिस क्लोज है क्लोजर है उत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि देखो स्पेसिंग घट गई ना, क्लोज का मतलब स्पेसिंग घटना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो असी की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही बोलिया ना, जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उत्थों घट वल, तो जिथे सर्फिसिस क्लोज है क्लोज का मतलब स्पेसिंग घटी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक। तो सर्फिसिस विच आर मोर एंड मोर अवे, जिहड़े दूर दूर है ज़्यादा स्पेसिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होएगा वीक होएगा, तो हो गया स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फिसिस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर असी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फिसिस ड्रॉ कर ले तो ये कभी भी इस तरह एक दूसरे नो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असी कहांगे सपोज अगर ये सर्फिस एक दूसरे नो दो, मान लो ये भी इक्विपोटेंशियल सर्फिस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, इस सर्फेस के सारे पॉइंट्स ते पोटेंशियल है वी वन ए वाले सर्फेस ते, और इस सर्फेस के हर एक पॉइंट ते वी टू है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, मतलब ए वाला सर्फेस और ए वाला सर्फेस पी पॉइंट ते इंटरसेक्ट किया, तो पी जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुंदा है, मान लो अगर असी लाइनस च ज़्यादा डिटेल से करते हैं तो सर्फिसिस से भी उस तरह होंदा ना, अगर दो लाइनस एक दूजे ने इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट ते, तो ये वाला पॉइंट जिहड़ा है इस लाइन ते भी है इस लाइन ते भी है। इस तरह सर्फिसिस दे केस च भी अगर दो सर्फिसिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट ते, तो ये पी पॉइंट इस सर्फिस ते भी है इस सर्फिस ते भी है, अगर ये पी पॉइंट इस सर्फिस ते है तो ये ते पोटेंशियल कितना होएगा वी टू होएगा, फिर मैं कहां अगर ये पी पॉइंट ये ते भी लाया कर रहा तो पोटेंशियल की होएगा वी वन होएगा, तो इक्को पॉइंट हैविंग टू वैल्यूज ऑफ इक्विपोटेंशियल, जो सर्फेसिस दे उपर असी टू वैल्यूज कहता असी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि असी बोल दिता कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी हुंदा है, अगर मैं कहता ये वाला सरफेस है वी वन, मतलब ये ते सारे सरफेस दे उपर पोटेंशियल किन्ना है वी वन, तो पी पॉइंट दे उपर तो मैं पोटेंशियल दी वैल्यू वी टू भी लिखी है, ठीक है ना, क्योंकि ये पी पॉइंट इन्हां दोनों सर्फेसिस का की है कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के उपर वैल्यूज की होंदिया दोनों, यदि वैल्यू वी टू भी है यदि वैल्यू वी वन भी है, तो मतलब पी पॉइंट जिहड़ा है ये उपर वैल्यू वी टू भी है, पर ये इस सर्फेस ते भी लाया करता है तो दो वैल्यूज़ हो गई पोटेंशियल दिया विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस दे उपर तो हमेशा इक्को वैल्यू हो सकती है, इसलिए असी कहने कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो है इंटरसेक्ट नहीं करते।